हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड बहुत सारे लोग अपने पीसी में जो है वो आप लोग ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हो या फिर मे बी नया पीसी बिल्ड करोगे, तो आपको इस गाइड की जरूरत जरूर पड़ेगी। और ये है कि आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को किस तरीके से जो है वो क्लीन कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल गाइड होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें नहीं बताने वाला जो कि जिसमें आपका एडिशनल खर्चा हो। एक दो चीजें हो सकती है पर उसमें भी आपका ज्यादा खर्चा नहीं होगा, टेंशन मत लो। सस्ते सस्ते में आपको मैं करवाने का इसमें ट्राई करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक पुराना जीपीयू ले रहा हूँ अपना, जो कि मेरे पास है 1660 GTX 1660। तो इसको मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो अपने पुराने जीपीयू क्लीन कर सकते हो, अपना थर्मल पेस्ट चेंज कर सकते हो, थर्मल पैड्स चेंज कर सकते हो। अगर आपका जीपीयू हॉट रन कर रहा है तो हॉट रन जो है वो टेम्परेचर की वजह से कर सकता है। हो सकता है आपका थर्मल पेस्ट सूख गया हो अंदर, या ओल्ड हो गया हो, या बहुत टाइम से आप जीपीयू यूज कर रहे हो तो हो जाता है टाइम के साथ, और धूल जम जाती है उसके अंदर। और ऐसा भी है ना कि तुम्हारा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कभी ना कभी तो तुम्हारा देखो मार्केट में सेकंड हैंड जीपीयू आएंगे, या फिर हो सकता है आपने जीपीयू सेकंड हैंड लिया हो, तो आप सेकंड हैंड जीपीयू को थोड़ा होता है ना कि भाई दूसरे बंदे से आ रहा है तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से उसकी सफाई वफाई करोगे, है ना। एक पुराना जीपीयू आपके हाथ में आ रहा है तो भले वो कितना भी चमक रहा हो लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार सफाई कर लेनी चाहिए। तो ये गाइड जो है किस तरीके से क्लीन करना है ये आपके लिए बहुत ही एसेंशियल रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें रिकमेंड करूँगा खरीदने का, वो सिंपल सी दो चीज़ें हैं। पहला तो थर्मल पेस्ट, क्योंकि अगेन तुम अगर थर्मल पेस्ट अंदर चेंज करोगे तो तुम एक नया थर्मल पेस्ट तो लगाओगे। अब हो सकता है आपको थर्मल पेस्ट मिला हुआ हो, अपने पीसी के साथ ही मिल गया हो, लाइक अगर आपने लिक्विड कूलर लिया है, एयर कूलर लिया है तो छोटा सा एक मिल जाता है उसके अंदर, तो अगर वो है तो वही यूज कर लो, वरना अगेन आपकी मर्जी। दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा थर्मल पैड्स। और देखो थर्मल पैड्स भी आपको ऐसे लेने की जरूरत नहीं है, बट मैं बोलूंगा कि टू बी ऑन द सेफर साइड ले लो, बिकॉज आप जो आपकी जीपीयू के अंदर ऑलरेडी थर्मल पैड्स हैं आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। बट गारंटी नहीं है कि हर जीपीयू के अंदर जो थर्मल पैड्स हैं वो सेम टाइप के होते हैं। नाउ कई ब्रांड्स ऐसे होंगे जो कि ऐसे थर्मल पैड यूज करेंगे जिनको आप जैसे ही अपना जीपीयू को खोलोगे ना, आपका थर्मल पैड्स वो ना चूरा चूरा टूटने सा लगेगा, मतलब तो आप उसको रीयूज नहीं कर पाओगे। लेकिन कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो ऐसे थर्मल पैड यूज करते हैं जो कि आप निकालोगे तो वो मतलब जैसे है वैसे ही रहेंगे और आप उनको रीयूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। तो पर फिर भी मैं बोलूंगा कि जब तुम इतना चेंज कर ही रहे हो, खर्चा कर ही रहे हो, तो कर लो, मतलब नए थर्मल पैड ले लो। 500 रुपए के अंदर आते हैं, ठीक है, मुश्किल से 500-700 रुपए का ही तुम्हारा थर्मल पेस्ट भी आएगा, 500 रुपए के तुम्हारा थर्मल पैड भी आएगा। और तुम्हारा जीपीयू के जो टेम्परेचर अगर उससे डाउन जाते हैं थर्मल पैड से, आपके जो है वो वीआरएम और जो मेमोरी चिप्स हैं जीपीयू की, है ना, उनके टेम्परेचर डाउन जाएंगे, आपका जीपीयू जो है वो कूल रन करेगा। तो अगर आप अपना एक 60,000-70,000-30,000-40,000 का जो भी जीपीयू है, इवन अगर आपके पास 10-15,000 का जीपीयू भी है, अगर आप उसकी मेंटेनेंस के लिए 500,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते तो यार क्या दिक्कत है। और जीपीयू का देखो ये मेंटेनेंस जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपको हमेशा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब 6-8 महीने में ऐसे एक बार कर लिया तो अच्छा रहता है सफाई करना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा थर्मल पेस्ट का, थर्मल पैड्स का। और थर्मल पेस्ट अगर आपको लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो सुपर क्लॉक पीसी का ग्लेशियल सीन थर्मल पेस्ट जो है वो आराम से बाय कर सकते हो। आपको जो थर्मल पेस्ट की क्वालिटी है वो भी अच्छी मिलेगी, कंपेयर टू अगर आप नॉकटुआ से कंपेयर करो या आप इवन कॉर्सेयर के थर्मल पेस्ट से कंपेयर करो तो आपको बेटर टेम्परेचर देखने को मिलेंगे। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा थर्मल पेस्ट है, मैं रिकमेंड कर रहा हूं, मैं खुद उसको यूज करूंगा अभी इस वीडियो में। तो चलते हैं जीपीयू की तरफ। तो गाइस जीपीयू डिसअसेंबल करना जो है बहुत ही इजी काम है। तो सबसे पहले तो अपने जीपीयू को बाहर से क्लीन कर लो, लाइक उसका जो भी बैक प्लेट है, उसका बाहर का जो प्लास्टिक है, जितना तुम कर सकते हो उतना कर लो। अगर तुम्हारे पास ब्लोअर है कोई तो ब्लोअर से जो है वो तुम पंखों पे जो है वो मार सकते हो, और तुम्हारा जो साइड में जो भी तुम्हारे वेंट्स दे रखे हैं तुम वहाँ पे जो है वो ब्लोअर मार सकते हो, अगर तुम्हारे पास ब्लोअर है तो, और तुम्हारी जितनी भी धूल है वो सारी की सारी साफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ब्लोअर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो करना कुछ नहीं है, आपको जो है वो थोड़े जो कान साफ करने के क्यूटिप्स होते हैं आप वो ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास थिक वाले जो पेंट ब्रशेज हैं, ठीक है, सूखे पेंट ब्रश, गीले मत करना, ठीक है, सूखे पेंट ब्रश आप ले सकते हो ताकि आप फिन्स में जो है वो थोड़ा उनको मार के उनको साफ कर सको। तो या फिर कोई नॉर्मल सा एक साफ कपड़ा जो आपके पास हो नॉर्मल सा उसको चमका दो बढ़िया से, बाहर से जितना आप कर सकते हो, फैंस को साफ कर लो, अब ब्लोअर है तो ब्लोअर मान लो, है ना। बाकी आपके पास नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर तो होगा ही होगा, मतलब आपने पीसी बिल्ड किया है यार तो स्क्रू ड्राइवर तो रहा ही होगा आपके पास। नॉर्मल अपना मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर लो, जीपीयू को खोलना शुरू करो, पीछे के स्क्रू जो है वो निकालो। मेरे पास जो यहाँ पे जीपीयू है ये काफी बेसिक सा जीपीयू है, आपके पास हो सकता है काफी थिक सा, कोई बड़ा सा, कोई हैवी सा कोई जीपीयू हो तो उसमें हो सकता है ज्यादा स्क्रूज हो, कोई स्क्रू जो हो वो जो हीट सिंक को होल्ड कर रहा हो। बट मेजरली जो लोगों के पास जो जीपीयू होते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा आपको पीछे के 4 या 5, 4 या 6 स्क्रूज होंगे जो आपको खोलने पड़ेंगे, तो उनको खोल लो। और उसके बाद जो है वो आप अपने जीपीयू को जो है वो अलग कर सकते हैं उसकी हीट सिंक को और उसकी पीसीबी को। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा तुम्हें फोर्स लगाना पड़ सकता है, बिकॉज तुम्हारा जो थर्मल पेस्ट है वो थोड़ा स्टिकी हो सकता है, जो तुम्हारे थर्मल पैड्स हैं वो स्टिकी हो सकते हैं, तो मतलब कि तुम्हें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ सकता है। लेकिन मैं बोलूँगा फोर्स ज़्यादा लगाने से अच्छा है कि पहले जीपीयू को थोड़ा ट्विस्ट कर लेना, थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा घुमा लेना, बिकॉज उससे ये होगा कि जीपीयू थोड़ा लूज हो जाएगा। और अगर तुम्हारा कहीं पर
तुमको फैन कनेक्टर वगैरह साइड से दिख रहा है तो कोई जो तुम्हारा एकदम फ्लैट हेड वाला स्क्रू ड्राइवर होता है जो आगे से फ्लैट होता है एकदम सीधा, उससे तुम हो सके तो फैन कनेक्टर या RGB कनेक्टर जो तुम्हारा है उसको पहले ही निकाल लेना, वरना जो है वो डिसअसेंबल करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है। बस यही एक चीज़ है जहाँ पे तुम्हें केयरफुल रहना है, उसकी जगह केयरफुल नहीं रहना तुम्हें, मजे से तुम कर सकते हो। तो इसे जो है वो जो भी तुम्हारा फैन कनेक्टर है उसको आराम से निकाल लो, अपने GP को डिसअसेंबल कर लो और तुम्हारा GP जो है वो खुल जाएगा। नाउ आप जो तुम्हारी हीट सिंक वगैरह दिख रही है तुम चाहो तो इसे और फर्दर खोल सकते हो, तुम चाहो तो बाहर का प्लास्टिक अलग कर सकते हो, अंदर जो मेटल हीट सिंक है उसको अलग कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, आप कितने कंफर्टेबल हो डिसअसेंबली करने में। बट मैं बोलूँगा 90% लोगों के लिए यहीं पे जो है वो स्टेप काफ़ी है। अब तुम जो भी अपना पेंट ब्रश है जो तुम्हारे को मैंने जो कान साफ करने क्यू टिप्स वगैरह बोले उनको जो है तुम अगर तुम्हारे पास अल्कोहल पड़ी हुई है या फिर वो जो लिक्विड वाला सैनिटाइजर होता है, ठीक है मैं जेल वाले सैनिटाइजर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें 95% अल्कोहल लिखा हुआ हो, अगर तुम्हारे पास वो सैनिटाइजर है तो तुम उसमें डिप करके जो है उसको क्लीन कर सकते हो, या हीट सिंक को जो है वो टोटली वॉश करके कहीं पे एक दिन के लिए सुखाने के लिए छोड़ सकते हो। हीट सिंक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, PCB को भी कर सकते हो बट बहुत लोगों को जो है उसमें रिस्क लगेगा। हीट सिंक में कुछ नहीं है, मेटल पार्ट है बट पानी में धोओगे तो तुम्हारा जो है वो रस्टिंग के उसमें चांसेस रहते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अल्कोहल से क्लीन कर लो, डस्टिंग जो है वो उसकी कर सकते हो तो कर लो, कोई क्लीन कपड़ा उसमें मार लो और जो भी तुम सफाई कर सकते हो बेसिक वो कर लो, है ना। इसमें मुझे सफाई करने की तुम्हें सिखाने की जरूरत है नहीं। नाउ मेन जो आती है तुम्हारी PCB पे, तो PCB पे देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने GPU के ऊपर जो थर्मल पेस्ट है उसको साफ करो, पुराना नया थर्मल पेस्ट यहाँ पे तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो। मैं जो तुम्हें थर्मल पेस्ट रिकमेंड करता हूँ, मैं रिकमेंड करूँगा डिस्क्रिप्शन में जाओ तुम्हें सुपरक्लॉक PC का जो है वो थर्मल पेस्ट दिख जाएगा, ग्लेशियल सील थर्मल पेस्ट जो कि मैं खुद इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ग्लेशियल सील थर्मल पेस्ट वन ऑफ द बेस्ट थर्मल पेस्ट, आप प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से जो बेस्ट थर्मल पेस्ट आप बाय कर सकते हो अभी के मार्केट में, तो जाके इसको बाय करो। बाकी आप चाहो तो थर्मल पैड्स भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। नाउ मेरे जो इस GPU में थर्मल पैड्स लगे हुए हैं ये टूटे नहीं है, मतलब जो मैंने डिसअसेंबल करा था ये टूटे नहीं। कई GPUs के अंदर ऐसे तुम्हें थर्मल पैड्स दिखेंगे जैसे ही तुम उन GPU को खोलोगे वो टूट जाएंगे, ठीक है वो चूरा चूरा सा होने लग जाएगा उनके, वो बिखरने लगेंगे टूट के। तो वहाँ पे मैं तुम्हें बोलूँगा डिस्क्रिप्शन में मैंने थर्मल पैड्स दे रखे हैं अलग अलग थिकनेस के, तो जाके मंगाओ उनको, अपने GPU में जो है वो अप्रोप्रिएट थिकनेस के थर्मल पैड्स जो है वो लगा सकते हो वहाँ पे, और तुम जो है वो उनको जो भी तुम्हारी साइज है लाइक VRM के जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग थर्मल पैड्स हैं तुम उनको अपने साइज़ के हिसाब से कट करके नॉर्मल कैंची से काट के जहाँ जहाँ पे लगे हैं वहाँ वहाँ पे उनको लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं जो है वो इन्हीं को रीयूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आपको और अच्छे टेम्परेचर चाहिए, आप तुम चाहते हो कि यार जब कर ही रहे हैं तो 400-500 रुपये दे के थर्मल पैड भी चेंज कर ही लेते हैं तो आप वो भी कर सकते हो, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा करने का। अनफॉर्चुनेटली ये जो GPU है इसको मैं यूज़ करने नहीं वाला बिकॉज ये मैंने सिर्फ इस वीडियो पर्पज़ के लिए इसको खोला है कि ताकि मैं आपको वीडियो में दिखा सकूँ कैसे करना है, तो मैं इसके थर्मल पैड इस वजह से चेंज नहीं कर रहा। बट मैं बोलूँगा कि अगर मनी है 400-500 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं यू कैन डू इट, नॉर्मल सा चीज़ है यार लगाना ही तो है ना। ये जो चीज़ें तुम कर रहे हो ना थर्मल पेस्ट चेंज करना और जो तुम अपने थर्मल पैड्स चेंज कर रहे हो इससे देखो तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा GPU कोल्ड रन करेगा, तुम्हारे GPU का टेम्परेचर लो होंगे तो तुम्हारा GPU लंबा चलेगा, ठीक है। तुम्हारे GPU का टेम्परेचर कम होंगे तो वो बूस्ट अच्छे से होगा। तुम्हें पता होगा NVIDIA का जो बूस्ट एल्गोरिदम है, NVIDIA का जो GPU बूस्ट है वो काम ऐसे करता है कि जब आपका GPU कम टेम्परेचर पर होता है तो वो ज़्यादा बूस्ट करता है। तो अगर तुम 80-90 डिग्री पर चला रहे हो तो तुम्हारा GPU कम बूस्ट करेगा, थ्रॉटल करेगा, ठीक है, ऊपर से नॉइज भी ज्यादा करेगा क्योंकि पंखे 24 घंटे घूमते रहेंगे और फुल स्पीड पे घूमेंगे। भाई तुम्हारा GPU 70-80 डिग्री में चल रहा है तो पंखे जो है वो तेज तो घूमेंगे, लेकिन अगर तुम इस तरीके से अपना GPU का मेंटेनेंस करते हो एंड तुम्हारे थर्मल पेस्ट चेंज करने से तुम्हारा जो GPU है उसके टेम्परेचर कम होते हैं तो तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि तुम्हारा GPU कोल्ड रन करेगा, तुम्हारा GPU बूस्ट अच्छा होगा तो तुम्हें FPS ज्यादा मिलेंगे और तुम्हारे साथ ही साथ जो पंखे हैं वो लो RPM पे रन करेंगे तो तुम्हारी जो नॉइज है कमरे में, जो तुम्हारे PC की नॉइज है वो कम आएगी। तो काइंड ऑफ ये हर तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट। तो इसमें एक और चीज अगर तुम एडिशनल कर सकते हो ये कर सकते हो कि मेरे पास जो GPU यहाँ पे है इसके पास इसमें है मेटल की बैकप्लेट। अब देखो ये जो मैं टिप बता रहा हूँ ये प्लास्टिक बैकप्लेट वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, जिनके पास मेटल की बैकप्लेट है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप इसमें मेटल की बैकप्लेट हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। मेरे पास जो GPU है इसमें जो है वो मेटल की बैकप्लेट और जो PCB है उनके बीच में थर्मल पैड नहीं है, सिर्फ जो GPU का कोर है जहाँ पे हमने थर्मल पेस्ट लगाया था उसके पीछे एक छोटा सा टुकड़ा है थर्मल पैड का, उसके अलावा कहीं पर भी थर्मल पैड इसमें नहीं लगा हुआ है बिटवीन बैकप्लेट एंड PCB। लेकिन अगर आप चाहते हो तो ये वाला थर्मल पैड भी चेंज कर सकते हो जिससे आपकी और कूलिंग होगी, बैकप्लेट एक पैसिव कूलर की तरह काम करेगी और ना केवल इतना बल्कि जहां जहां पे आपकी मेमोरी लगी हुई है GPU की वहां वहां पर भी तुम थर्मल पैड्स लगा सकते हो और बैकप्लेट को एक काइंड ऑफ हीट सिंक की तरह जो है वो तुम यूज कर सकते हो ताकि तुम्हारे और टेम्परेचर कम हो। अगेन ये एक टिप है, अगर यूज़ करना चाहो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा थर्मल पैड्स बचे हुए हैं यू कैन डू इट। एंड देखो कितना सिंपल सा प्रोसेस था, 5 मिनट में निबट भी गया। तो ये थी एक वीडियो मतलब GPU क्लीनिंग के ऊपर, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं थर्मल पेस्ट के, थर्मल पैड्स के, थर्मल पेस्ट अगेन मैंने कहा ग्लेशियल सील जाके लो मजे मारो,
अच्छा है। और इस टाइप की जो मैं अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, कमेंट दिखाओ, कमेंट में बोलो कि तुम्हें इस टाइप की वीडियोस जो DIY टाइप की है ये अच्छी लगती है, क्लीनिंग व्लीनिंग गाइड, क्योंकि मेंटेनेंस PC का इंपॉर्टेंट है, तो बताओ उस चीज़ को। और बाकी उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।